हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। आज मैं आपको कुछ नर्सरी से पौधे लेकर के आई थी। दो तीन दिन हो गए हैं, गर्मी बहुत थी, इस वजह से मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करा। तो मैं इस वक्त उसको ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो मैंने कुछ पौधे तो लगा दिए हैं, लेकिन सोचा आप लोगों को बता दूँ कि इस सीज़न में कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो मैं अभी पौधा लगाने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास में अलामंडा की बेल है, जो कि गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत से फूल देती है। अभी तो इसके फूल मुरझा चुके हैं और अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूंगी। तो मैं ये लेकर के आई थी, ये मुझे 60 रुपये की दी है उन्होंने। तो मैं कुछ पौधे लेकर के आई थी, मैं बताना भूल गई आप लोगों को। शॉपिंग मेरी ज़रूरी नहीं समझा मैंने बताना एक्चुअली, क्योंकि शॉपिंग तो लेकर के आए और लगा दिया तो उसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ अपने ऐसे करते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो मैं तो सिर्फ अपना तरीका बताने के लिए आप लोगों को मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं किस तरह से ग्रो करती हूँ अपने पौधे। तो देखो, ये मेरे पास में पत्तियों का वेस्ट है, ये मेरे गार्डन की पत्तियाँ हैं जिन्हें मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। और क्योंकि इसका खाद बहुत अच्छा सा बन जाता है, चाहे तो आप क्रश करके डाल दें, लेकिन ये बेर की पत्तियां हैं तो इसमें इस तरह के कांटे भी हैं, तो इसके लिए मैं इसको क्रश नहीं कर सकती। तो मैं इसको नीचे डाल देती हूँ इस तरह से। तो मैं इस पत्तों को इस तरह से क्रश कर देती हूँ। इससे मैं आधा गमला मेरा भर दूँगी ताकि आने वाले कल के अंदर इसके अंदर नीचे मट पत्तियों की खाद तैयार हो जाएगी और मेरे पौधे को न्यूट्रिशन देगी। तो मैं इस तरह से सब्जी डाल दीजिए। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। ये मिट्टी मैंने बना रखी है, इसमें मैंने कंपोस्ट भी डाल रखा है, मिट्टी है, रेती है, एप्सम सोल्ट है। इस तरह से मैंने सब चीज़ें करके फंगीसाइड डाला है और इसी तरह से मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है मैं कि मिट्टी में किस तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो वीडियो आप लोगों को सेंड कर दूँगी, बता दूँगी डिस्क्रिप्शन उसका। तो ये मैंने इतना मिट्टी से भर दिया है मेरा गमला और अब मैं ये पौधा लगाने वाली हूँ। ओह स्नेक, ओह स्नेक, जल्दी से देखो 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 देखो, ओ ये रहा, ओ नो, ये तो अजगर का बच्चा है। ओ यस, अजगर का बच्चा है ये, पाइथन, इंडियन पाइथन, इसका बच्चा है ये। देखो, कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ये मैं पौधा लगा रही थी और मुझसे कुछ फुट की दूरी पर ही ये मेरे पास में था, मैंने देखा भी नहीं। इस टाइम पे मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है क्योंकि मैंने कभी इतने करीब से देखा नहीं है इसको, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। देखो 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 किस तरह से चल रहा है ये। ये मेरे ख्याल से मेरे गार्डन में छिपकली या मेंढक खाने आया होगा और अब ये देखो जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसको जाने नहीं देना चाहती। ओ देखो देखो, आप लोग भी काम करें तो थोड़ा ध्यान रखा करें, बरसात का मौसम है, गर्मी है, इस वजह से ये ज़मीन में से निकले हैं और इसको मैं ये देखो अब मैं इसको पकड़ लेना चाहती हूँ। मेरा बच्चा है यहाँ पे, मेरा लड़का आ गया और ये देखो ये इस आकार इसने बना लिया है, ये पूरा अटैक करने की मुद्रा में है। ये पोजीशन जब होती है तो अटैकिंग की, ये देखो है ना, ये अटैक करता है इस मुद्रा में, ये जंप भी कर लेता है थोड़ा सा। तो आप लोग भी काम करें गार्डन में तो थोड़ी सावधानी रखा करें। बेटा इसको उठा लो, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन देखो इसको देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुल है। ओह वाह, सो नाइस। तो ठीक है, आप लोग भी इस तरह से काम करें तो देख के किया करें प्लीज़, ध्यान रखें अपने आसपास का। मैं इसमें थोड़ा सा ये एप्सम सोल्ट है ये मैं डाल दे रही हूँ, इसको थोड़ा मिक्स कर दूँगी, इससे पौधे को शॉक नहीं लगेगा। थोड़ी सी मिट्टी रिमूव कर दी है क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी मुझे लग रही थी नर्सरी वाली। अब मैं इसको लगा देती हूँ। अंधेरा हो गया है इस टाइम पे, शाम हो गई है, अब इसको लगा करके मैं इसको दो तीन दिन छाया में रखूँगी
और उसके बाद में फिर मैं इसको धीरे धीरे धूप में निकालूंगी। तोतों की आवाज़ आ रही होगी, मेरे यहाँ जामुन का पेड़ है तो तोते उसको खाने के लिए आते हैं, रोज़ सुबह शाम दावत उड़ाते हैं। इसको मैं छाया में रखूंगी 2-3 दिन ताकि ये सेट हो जाए, फिर मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। तो बारिश का मौसम है तो अभी चल जाएगा, हालांकि बारिश नहीं हो रही हमारे वहाँ लेकिन फिर भी चल जाएगा। ठीक है, मैंने पौधा ग्रो कर दिया, मैं इसमें पानी डाल दूंगी फिर। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से गार्डन का भी कोई भी काम कर सकते हैं और अपने पौधे लगा सकते हैं। और मेरे जो बहुत खुशी है कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, उसे लाइक भी कर रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से मैं और वीडियो डालती रहूँगी, आप लोगों से मिलती रहूँगी। टेक केयर, गुड बाय।